हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की सुडो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर गूगल क्रोम में दूसरी वाली जीमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रही है तो कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो गाइस, दूसरी जीमेल आईडी लॉगिन करने के लिए आपको पहली आईडी को लॉग आउट करना पड़ेगा। अगर लॉग आउट भी नहीं हो रहा है तो गाइस, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है लॉगआउट करने में, तो सिंपली आपको सबसे पहले देखिए प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर क्रोम सर्च करके चेक करना है कि अपडेट है कि नहीं है। अगर यहाँ से गूगल क्रोम अपडेट नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद गाइस, आपको बैक आना है, फिर आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको आना है नीचे, और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या एप्लीकेशन नाम की, जहाँ पर आपके सभी ऐप्स रहते हैं सेटिंग में। तो आपको इस सेटिंग को खोज लेना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है, फिर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है जो कि सबसे ऊपर मिलेगा, या फिर जहाँ पर आपके सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर आपको आना है नीचे सी पर, जहाँ क्रोम मिलेगा, तो यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करना है जिसमें आप जीमेल आईडी दूसरी बार लॉगिन करना चाहते हैं। फिर स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है, यहाँ से क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लियर डेटा, फिर ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देते हैं क्लियर डेटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्रोम को ओपन करना है। तो गाइस, जैसे क्रोम को ओपन करेंगे इस प्रकार ओपन होगा। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाली जीमेल आईडी शो होगी। अगर आप दूसरी जीमेल आईडी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सभी जीमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। जिस जीमेल आईडी को लॉगिन करना है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू एज पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर एस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। दूसरी वाली जीमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए न्यू टैब हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल आईडी ऐड हो चुकी है। तो गाइस, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।